नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम हसडिया चौक पर मौजूद हैं। पोड़ैयाहाट विधानसभा है और पोड़ैयाहाट विधानसभा का माहौल इस बार क्या है उसको जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो देवेंद्र नाथ सिंह और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो है प्रदीप यादव, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है टक्कर देखने को मिलता है। लेकिन अभी इस बार माहौल यहाँ पर क्या है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि पोड़ैयाहाट का माहौल इस बार क्या है। क्या माहौल है? माहौल है कि प्रदीप यादव जीतेगा यहाँ का। हम लोग माहौल तो यही है, उसको देना है, उसको जिताना है। क्या किए हैं आप लोग के लिए? केहू पूरा कर रहे हैं काम, जो नहीं था वो किया है। आज जो बचा है रोड वोड शिलान्यास करके सब कुछ करा दिया है, तो होबे करेगा। चलो जब रोड शिलान्यास हो गया तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और जो बीजेपी जो प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ सिंह उसको लेकर के क्या कही है? नहीं पहचानते उसको, जानते नहीं है उनको, जानते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी है ना। हम लोग हाँ है, लेकिन अभी ना हम लोग को प्रदीप यादव चाहिए। लोकल का हुआ काम, कर अच्छा से कर रहा। काम हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? हाँ हो रहा, अभी एक ही बार में तो नहीं है ना होगा, धीरे धीरे सब हो रहा। क्या क्या काम हुआ है? कुछ काम अगर बताइए। रोड वोड के शिलान्यास किया है, पागल वगैरह सब दिया है हम लोगों के लिए, तो ठीक है वो हो रहा है काम। हाँ काम कर रहा है वो, कोई दिक्कत। देवेंद्र नाथ सिंह जो है वो सब को हम लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग कैंडिडेट है ना, अभी तक कुछ किया नहीं ना, अभी तक तो नया कैंडिडेट बीजेपी घोषित किया है। हम लोग को उसका फ्यूचर तो कुछ देखे नहीं है, जो देखे हैं तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, उसी के बारे में बात करना है। प्रदीप यादव लगता है कि फिर से आएंगे? आएंगे, उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि आएगा वो, हम लोग का बीच रहेगा वही। सांसद जी भी घूम रहे हैं, बोल रहे हैं इस बार पोड़ैयाहाट जो है। देखिए सांसद जी को सांसद बना दिए, लेकिन विधायक जी को विधायक बनाएंगे। जो विधायक अभी जी को भी आप ही लोग सांसद बनाए? बिल्कुल बनाए, लेकिन इस समय नहीं, उल्टा कीजिएगा। उल्टा ना, देखिए सांसद और विधायक मंत्र है कि ना। पोड़ैयाहाट से सांसद जी को ज्यादा वोट मिला था? मिला था, नहीं मिला था जीता कैसे हो? अब विधायक जी का बारी है। विधायक में आपको यही पसंद है? हाँ अभी फिलहाल कांग्रेस से, और सांसद में आपको बीजेपी से पसंद है? देखिए अब क्या बोले, पांच अंगुली पांच तरह का होता है, अब छोटा बड़ा हो तो अलग है ना। लोग को चाहिए जो दिएगा उसी को देंगे। हम लोग का काम देख रहे हैं लोकल विधायक प्रदीप यादव, काम कर रहा है। हम लोग का बिजली नहीं था, बिजली दिया वो, तब उसको विधायक में रखते हैं कि लोकल क्षेत्र का नेता है। जो भी प्रॉब्लम है, मौका है तो लड़ने का, तो मौका विधायक से है ना, आम जनता से तो लड़ने का मौका है नहीं। अगर वो कोई दिक्कत कर रहा है उसके बारे में उसी से बात करना होगा खुल के। अगर जब नहीं काम किया तो फिर अगला टाइम में सोचा जाएगा। अभी आपको लग रहा है काम हो गया है? हाँ हो गया, उतना नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ हुआ है। काम हो रहा है, फिर विधायक बनने के बाद होगा। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? वो भी जहाँ तक ठीक है कर रहा है, अब आवास दिया है। आप लोगों का होगा हेमंत सोरेन को सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठी को रोकना होगा। बिल्कुल रोकना होगा। और वैसे भी अगर यहाँ वहाँ झारखंड वैसे भी मुद्दा 4 करोड़ का आबादी है और इसमें भी इतना गरीबी है, तो पैसा जनता खा रही है कि सरकार खा रही है? मोमेंट तो यहाँ पे समझना होगा ना। सरकार वैसे अगर हम प्रदीप यादव को विधायक बनाएंगे तो सरकार हेमंत सोरेन का बनेगा, लेकिन वो दोनों सब मिल के सोचना होगा ना कि झारखंड में प्रकृति कैसे आएगा। जब इतना सब कुछ रहते हुए भी यहाँ पे गरीबी छाया हुआ है, इसका मुद्दा क्या? तो ये तो बात हम लोग विधायक जी से बोलेंगे, अगर इस तरह नहीं होगा तो आगे टाइम में फिर सोचा जाएगा। तो ये माहौल है हसडिया चौक का, और बता रहे थे कि इस बार क्या माहौल है। कुछ लोग और भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत हम लोग करेंगे। देवेंद्र सिंह को काहे देवेंद्र सिंह? वो अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। हाँ लगता है कि वो आएगा तो काम हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा आप लोग के लिए। हाँ हो जाएगा। क्या प्रदीप यादव की देवेंद्र सिंह? प्रदीप यादव आप लोग के लिए काम हुआ? चक चक बात अब हुआ आवास, और आप लोग के घर में कहीं मैया सम्मान योजना पैसा आया? हाँ आया है। प्रदीप यादव बढ़िया है। हाँ हसडिया चौक से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, और हसडिया चौक का ये स्थिति, कोई लोग प्रदीप यादव बोल रहे हैं, कोई देवेंद्र सिंह बोल रहे हैं। और इस बार जो है चुनाव जो है यहाँ पर प्रदीप यादव और देवेंद्र सिंह के बीच में यहाँ पर टक्कर जो है वो होना है, और आगे 23 तारीख को रिजल्ट है। 23 तारीख को ही पता चलेगा कि पोड़ैयाहाट का अगला विधायक कौन होता है और झारखंड में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।